अंजलि पापा, आपको पता है ना मेरी मंथली इनकम ही 30,000 है। हाँ पता है। तो आप मुझे क्यों बार बार बोलते हो इन्वेस्ट करने के लिए? मैं कहाँ से करूँगी इन्वेस्ट जब मेरी मंथली सेविंग ही 5,000 की है। इससे अच्छा मैं इस एज में पार्टी करूँ, यू नो, एक्ट लाइक माई एज, और जब मैं एक्चुअली अच्छा कमाऊँ तब इन्वेस्ट करूँ। आपको तो पता है मुझे पार्टी और डांसिंग का कितना शौक है। ये जोक था? था तो। I don't like jokes. But पापा, I love you. तो प्लीज मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ। तुम अभी 27 की हो और जब तक तुम 1,00,000 कमाओगी तुम 37 की हो जाओगी। अभी अगर तुम 1 रुपए इन्वेस्ट करती हो तो जब तक तुम 60 की हो जाओगी वो 1 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 31 रुपए। और अगर तुम 37 से इन्वेस्ट करती हो तो जब तक तुम 60 की हो जाओगी वो 1 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 25 रुपए, राइट? नो, रॉन्ग। उसकी वैल्यू हो जाएगी 11 रुपए। एंड नॉट टू फॉरगेट, इन्वेस्टिंग एक बिहेवियरल हैबिट है, इसके लिए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इस पेशेंस के चक्कर में कुछ कुछ होता है अंजलि, तू अभी नहीं समझोगी।